प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा मिश्रा आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ाने वाली हूँ। इसके कवि तुलसी दास जी हैं। इसके प्रथम सवैये में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास मिलने पर वन के मार्ग से गुजर रहे थे, तो सीता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे देखकर श्री राम जी विचलित हो उठते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनि जलकी, पूट सुकी गए मथुरा धरवे। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन के मार्ग की ओर दो कदम अर्थात थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो उनके सर से पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके होठ प्यास के कारण सूख जाते हैं। पुट मतलब होठ, पुर मतलब नगर, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु मतलब श्री राम और सीता जी। यानी श्री राम और सीता जी जब नगर से निकले, धरी धीर दय मग में डग दे, तो उन्हें वहाँ पर धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन वह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए दो कदम झलकी भरी भाल कनि झलकी, और झलकी मतलब दिखाई दी, भाल मतलब माथा, कनी मतलब कण, ठीक है। तो जैसे ही वो दो कदम चले, उनके सर पे से पसीने की बूंदें झलकने लग गई, पूट सुकी गए मथुरा धरवे। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे चले, पुट मतलब होठ, जो उनके होठ थे वो पानी की प्यास के कारण सूख गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिरी पूछती है चल लो अब केती, फिरी पूछती मतलब फिर, पूछती मतलब पूछती है कौन, सीता जी, चल लो अब केती, केतिक मतलब कितना, कि अब हमें कितना चलना पड़ेगा, पनकुटी करियो कित है, कि अब हमें कितना चलना पड़ेगा, और हम पनकुटी मतलब पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, क्योंकि सीता जी वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं। तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चवे। पिए मतलब प्रियतम यानी श्री राम, तिये मतलब पत्नी, तिये मतलब पत्नी है, पिए मतलब प्रियतम यानी श्री राम, आतुरता मतलब उनकी परेशानी, लखी मतलब देखकर, अखिया मतलब आंखें, जल चवे मतलब आंसू बहने लगे। यानी श्री राम जी की पत्नी जो सीता जी है, उनकी व्याकुलता को देखकर जो श्री राम जी हैं वो परेशान हो उठे, व्याकुल हो उठे, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो प्रस्तुत सवे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे ही अयोध्या को छोड़कर श्री राम और सीता जी वन की मार्ग की ओर चलते हैं, तो थोड़ी सी दूर जाने पर सीता जी थक जाती हैं और उनके सर पे से पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और प्यास के कारण उनके होठ सूख जाते हैं। आगे चलकर वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अब कितना चलना पड़ेगा, हम पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। श्री राम जी अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला है, जल को गए लखनु है, लरिका परिखो पिए, छा धरिक है ठाड़े, पोछी पसेव ब्यारी करो, और उपाय पखारियो भ्रू भूरी ठाड़े।
लखनऊ मतलब लक्ष्मण, पारिखू मतलब प्रतीक्षा करना, छाह मतलब छाया, धरिक मतलब एक घड़ी या थोड़ी देर। ठीक है, तो प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने बताया है कि कवि ने, तुलसीदास जी ने वन की ओर जाते श्री राम और सीता जी की दशा का चित्रण किया है। तो सीता जी वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं। जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, थोड़ी देर रुककर हम विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, जल को गए लखनऊ है, लरिका पारिखो पिए, छा धरिक है ठाड़े, पोछे पसेओ ब्यारी करो, अरुपाओ पखारो रूबरी ठारे। ठीक है, तुलसी रघुवीर प्रियाशम जानी के बेठी, विलम लो कंटक काड़े, जानकी नाह को नेह लखो, पुलको तनु बारी विलोचन पाड़े। तो सीता जी श्री राम जी से कहती है कि अभी लक्ष्मण जल लेने गए हैं तो वे थोड़ी देर छाया में रुककर, छाह थरी खेठारे मतलब छाया में रुककर थोड़ा आराम कर ले और अपना पोछी पसियो ब्यारी करो और अपना पसीना पोछ ले, और उपाय पखारे भूबरी ठारे कि जो रेत है वो बहुत गर्म है इसलिए अपने पांवों को धोकर थोड़ा ठंडा कर ले। तुलसी रघुवीर प्रियाशम जानी के बेठी, विलम लो कंटक काड़े। श्री राम मन ही मन जान गए कि सीता जी अब बहुत थक गई है, वे विश्राम करने के लिए बैठ गए और पैरों के कांटे निकालने लगे, कंटक मतलब कांटे, पैरों के कांटे श्री राम जी निकालने लगे। जानकी नहा को नेह लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। तनु मतलब शरीर, पुलको मतलब पुलकित हो गया, लखियो मतलब देखकर, नेह मतलब प्यार, नहा मतलब प्रियतम, नेह मतलब प्यार, लखियो मतलब देखकर, पुलको मतलब पुलकित हो गया यानी प्रसन्न हो गया, तनु मतलब शरीर, बारी मतलब जल और विलोचन मतलब आँखें। तो श्री राम जी को मन ही मन पता लग गया कि सीता जी थक गई हैं, वे विश्राम करने बैठ गए और पैरों के कांटे निकालने लगे। सीता जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया, पुलकित मतलब प्रसन्न हो गया और उनकी आँखों में से आंसू आने लग गए। तो प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने पहले वाले सवैये में श्री रामचंद्र जी, जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी वन के लिए निकलते हैं तो थोड़ी दूर जाते ही सीता जी थक जाती हैं और उनकी सर में से पसीने की बूंदें झलकने लगती, तो मतलब इसमें सीता जी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिसे देखकर श्री राम जी विचलित हो उठते हैं। तो सेकंड समय में बताया गया है कि तुलसीदास जी ने वन के मार्ग की ओर जाते श्री राम और सीता जी की दशा का चित्रण किया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।